नगर निगम के चुनावों में पालमपुर पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पालमपुर में भाजपा के पूर्व मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हिमाचल में विकास अगर करवाया है तो भाजपा की सरकारों ने ही करवाया है और कांग्रेस तो सिर्फ वायदे करके भूल जाती है। इस बात की गवाह पालमपुर की जनता है। रविंदर रवि ने कहा कि कांग्रेस पालमपुर को जिला बनाने की बात कह रही है। कांग्रेस ये जवाब दे कि पालमपुर में 2011 में एडीसी और एएसपी बिठा दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आते ही इन्हें भी हटा दिया है। कांग्रेस पालमपुर को जिला बनाने का सपना भूल चुकी है, भाजपा ही पालमपुर को जिला बनाएगी। इन्होंने कही है, कहते हैं कि पालमपुर को जिला बनाएंगे कांग्रेस वाले कहते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपको याद है क्या सन 2011 में पालमपुर को जिले का निर्माण करने के लिए यहाँ पर एडीसी और एएसपी जो मुख्य पद होते हैं प्रशासनिक, वो दोनों के दोनों क्रिएट करके यहाँ पर बिठा दिए गए। कांग्रेस की सरकार बन गई, दोनों को वापस ले गई, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस का नेतृत्व पालमपुर का जो जवाब दे कि क्या यह सही नहीं है कि पालमपुर में, पालमपुर के इर्द गिर्द शहर हमारा है, इसके इर्द गिर्द जमा दो का स्कूल कोई नहीं था सरकारी क्षेत्र में, एक भी स्कूल नहीं था 1998 तक। सरकार हमारी बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने, मैं सरकार में मंत्री रहा। मैं जब पालमपुर में आया तो यहां मांग की गई कि पालमपुर के क्षेत्र में यहां जमा दो का स्कूल नहीं। हालांकि ये योजना 1980 में शुरू हो गई थी। 18 साल तक पालमपुर के ना पालमपुर के राम चौक के स्कूल को जमा दो किया गया था, ना लड़कियों का हमारा बच्चियों का स्कूल पार सुहास चौक में उसको जमा दो किया गया था, ना जजिया का था, राजपुर का था, वो राजगीर क्षेत्र में पड़ता, राजगीर भानसवाड़ क्षेत्र में। हमारी सरकार बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने, मैं यहाँ की जनता की मांग को लेकर धूमल जी से मिला और ये दोनों स्कूल जमा दो के स्कूल उसमें खुलवाए। ये जिला बनाने की बात करते हैं, ये जो एक प्लस टू स्कूल नहीं खोल सकते, ये कहाँ का जिला बनाए? ये यहाँ पर ब्लॉक नहीं खेल खोल सके आज तक। पालमपुर के क्षेत्र में अपना वीडियो ब्लॉक नहीं है जो ये नहीं कर सकते हैं, वो जिला बनाएंगे क्या? कैसा प्रश्न है, कैसा ये जवाब देते हैं? वैसे दिन की चूल्हे हिल गई है, नगर निगम के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ नहीं, मैं तो कहता हूँ जो इसमें हवा चली है, हमारी कोशिश 15 की 15 सीटें हम जीते, वो जीत कर यहाँ जीत का परचम लहराएं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर दोनों भारतीय जनता पार्टी के होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पूर्व मंत्री रविंद्र रवि ने कहा कि पालमपुर को नगर निगम का दर्जा भी भाजपा की सरकार ने ही दिलवाया है और इन चुनावों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और मेयर व डिप्टी मेयर भाजपा के होंगे, इसका उन्हें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने सभी वार्डों में सर्वे किया है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को वोट और सपोर्ट कर रही है और उन्हीं के प्रत्याशी यहाँ जीत हासिल करेंगे। रविंद्र रवि ने दुख जताते हुए कहा कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार जो उतरे हैं वो लगातार इस नगर निगम का विरोध कर रहे थे और अब जब नगर निगम बन चुका है तो कांग्रेस की ओर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम का फैसला गलत था तो वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नगर निगम का जो पालमपुर का हो रहा है, ये नियमित पत्रकार वार्ता पिछले मुझे लगता है 4 दिन से ये चल रही है। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके समक्ष बात रखने का। नगर निगम पालमपुर या प्रदेश के अन्य नगर निगम 3 के जो चुनाव, कुल मिलाकर 4 नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और आप जब से ये नोटिफिकेशन आचार संहिता लगी उस समय से लगातार आप प्रेस के बंधु नगर निगम के सभी मुद्दों को जागृत करते रहे हैं, जनता को उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहे हैं। किन परिस्थितियों में नगर निगमों का यहां पर गठन किया गया आप भलीभांति परिचित हैं, लेकिन पालमपुर के नगर निगम का गठन करना अपने आप में एक प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हम पालमपुर के सारे निवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में पालमपुर नगर निगम का गठन किया गया है,
सारे के सारे नगर निगम प्रदेश की राजधानी या जिला मुख्यालयों पर है। एक हमारा ये पालमपुर का सब डिविजन लेवल का छोटा सा कस्बा, और इसके साथ लगती हमारी पंचायतों को शामिल करके नगर निगम का गठन किया गया है। दुख का विषय है, कांग्रेस पार्टी के कई उम्मीदवार जो उन्होंने यहां पर फील्ड में चुनाव के मैदान में उतारे हैं, वो लगातार, और मैं तो ये भी जो जानकारी प्राप्त हुई मुझे कि यहां के विधायक भी इस नगर निगम के गठन का विरोध करते आ रहे हैं, अभी भी उनका मन इससे भरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ये चुनौती देता हूं, अगर उनमें ये लगता है कि नगर निगम पालमपुर का नहीं होना चाहिए तो उनको तो सबसे पहले ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, वो चुनाव का बहिष्कार करते कि भाई ये नगर निगम का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के या पालमपुर के प्रबुद्ध जनता के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत यहां पर घोषणा की गई। तो मेरा उनको कहना यह है कि एक तो वो बहिष्कार करें, आज भी हिम्मत है तो बहिष्कार करें कि हम इसका चुनाव से मैदानी से हम वापस जा रहे हैं। दूसरा ये कि नगर निगम के विस्तार आज तक क्यों नहीं हो पाया। पालमपुर नगर परिषद कुल लंबाई उसकी 1 किलोमीटर और 700 मीटर के बीच में, चौड़ाई उसकी 700 मीटर जो इतिहास में देख पाया हूं नगर परिषद पालमपुर का, जो उसमें म्यूनिसिपैलिटी होती थी, जो नोटिफाइड एरिया कमेटी होती थी, 1903 का है। आजादी के भी लगभग 72 साल गुजर जाने के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी को किसी नेता को सपना नहीं आया कि पालमपुर की नगर परिषद का विस्तार होना चाहिए। यह सोच किसी ने पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पैदा की, या हमारे वरिष्ठ नेताओं के, मैं यही उनको कहूंगा कि उनके संपर्क करने के उपरांत ये आज विस्तार भी हुआ और साथ में नगर निगम का दर्जा हमें प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कर पाई आज तक, कई वर्षों तक यहां कब्र विधायक भी और कांग्रेस पार्टी के विधायक मंत्री के पद पर विराजमान रहे, लेकिन कभी भी इस विषय के ऊपर कहीं कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। जब बनने के आसार बने तो उसका विरोध करना उन्होंने जारी रखा। ये दो मेरे उनके समक्ष प्रश्न है। पालमपुर आप सभी जानते हैं एक पर्यटक स्थल हमारा है, ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि जो भी पर्यटक कोई टूरिस्ट सारे हिमाचल का दौरा करने के उपरांत कभी पालमपुर की ओर पदार्पण करता है तो उसको देख के दंग रह जाता है कि पालमपुर में भी ऐसी जगह, हिमाचल में भी कहीं ऐसी जगह है। ये व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस भी कर पाया हूँ, चर्चा भी कर पाया हूँ, कई पर्यटकों से मेरी बात भी हुई है कि हमारे ध्यान में आता ही नहीं था ऐसा कभी ऐसा स्थान भी यहाँ पर है। पालमपुर को विश्व का दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नगर निगम बनने के उपरांत मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक नया विस्तार नहीं होगा लेकिन पालमपुर का वर्ल्ड मैप के ऊपर, टूरिस्ट मैप के, वो जो सामने आएगा पालमपुर बनकर उभरेगा। यहां पर बड़े बड़े